यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शिमला शाखा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। स्वर्ण जयंती समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक मजबूत बैंक के रूप में उभरा है। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शिमला शाखा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शिमला शाखा की शुरुआत 1 नवंबर 1969 में की गई थी, जिसके पश्चात शाखा द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह से सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक और शाखा की साख ग्राहकों के बीच कितनी अच्छी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की नीति के तहत छोटे बैंकों का विलय बड़े बैंकों में होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विलय होने के पश्चात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विस्तार और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा और सुविधा और अधिक बढ़ जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक मजबूत बैंक के रूप में उभरा है, जिसके तहत 11 नवंबर को बैंक अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शिमला शाखा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे होने पर कर्मचारियों व ग्राहकों को बधाई दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का प्रीमियर बैंक है और शिमला शाखा को यहाँ पर काम करते हुए 50 वर्ष हो गए हैं। मैं शाखा के सभी प्रबंधकों को, कर्मचारियों को, इस शाखा में आने वाले सभी ग्राहकों को अपनी स्वर्णिम जयंती मनाने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब ये बैंक और भी ज़्यादा विस्तार प्राप्त करेगा, क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार बैंक जो है वो कम होंगे, जिसमें बहुत सारे जो छोटे बैंक हैं उनका विलय अन्य बैंकों में होगा। यूनियन बैंक में भी आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है, इससे जो है वो अब इनकी शाखाओं की संख्या भी दुगनी से ज़्यादा हो जाएंगी और सारे देश भर में जो है वो एक बहुत मजबूत नेटवर्क जो है वो इसका बनेगा, जिसका अर्थ है कि ग्राहकों को जो है वो सिक्योरिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ जो है वो अच्छी सुविधाएँ भी प्राप्त होंगी। और शिमला में हमेशा से हमारे जो बहुत अच्छे शिमला शहर के उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको इस शाखा से जो है वो सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं, आगे भी ऐसे ही प्राप्त होंगी। मैं इन सभी को एक बार फिर से अपने 50 वर्ष पूरे करने पर जो है वो बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ साथ ये बैंक अपने जीवन के 100 वर्ष भी पूरे कर रहा है। ऐसा बताया गया कि 11 नवंबर को जो है 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे बैंक को खुले हुए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान शाखा प्रबंधक संतोष कुमार ने कहा कि ग्राहकों के सहयोग व विश्वास से शाखा ने 50 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक भी 11 नवंबर को अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बैंक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अपनी शाखा के 50 वर्ष गोल्डन जुबली ऑफ ब्रांच ओपनिंग हम मना रहे हैं। इसमें हमारे चीफ गेस्ट श्री सुरेश भारद्वाज सर एजुकेशन मिनिस्टर थे और इसी साल हम अपने बैंक का 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सेंटेंडरी ईयर है, 11 नवंबर को पूरा होगा, तो हमारे लिए महीने में दो खुशियां हैं कि हमारी शाखा 50 वर्ष पूरी की और हमारा बैंक भी 100 वर्ष पूरा कर रहा है। यहाँ पे हमारे शिमला शाखा का जब से प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ 69 में, तब से ये बैंक यहाँ पर उपस्थित है और हमारे ग्राहकों का सरकारी विभाग में हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। हमारी शाखा का व्यवसाय करीब 350 करोड़ से ऊपर करीब 400 करोड़ तक पहुँचने वाला है, तो ये हमारे ग्राहकों और सरकारी विभाग के हमारे प्रति विश्वास और उनके सहयोग के द्वारा ये संभव हो पाया है और आगे भी ऐसे ही सहयोग की हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारी शाखा का व्यवसाय ऐसे ही बढ़ता रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।